भैया कितने सांप थोड़ा। इसकी पूरी लंबाई 1 मीटर के आसपास होती है और इसका दोस्तों जो भोजन है वो, दोस्तों एक बार फिर से मुझे सूचना मिली और पुनः उसी अपने जीव जंतुओं की दुनिया में मैं आ चुका हूं। तो दोस्तों उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मौसम पूरी तरीके से बदल चुका है और ठंडक के महीने में आए दिन बेजुबान हमारे घरों में देखे जाते हैं। और ये दोस्तों जिस पावन धरा पर मैं आया हूँ यहाँ पर दोस्तों, और इस मिट्टी से मुझे बहुत ज़्यादा मोहब्बत मिली है, ये है दोस्तों अम्बेडकर नगर। तो सबसे पहले मैं इस अम्बेडकर नगर को प्रणाम करना चाहता हूँ। दोस्तों बहुत बार यहाँ पर आया हूँ और यहाँ से आए दिन अक्सर बड़े बड़े सांप और मोटे मोटे सांप मिलते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों मैं उनको बुलाना चाहता हूँ जिन्होंने हमको यहाँ पर मोहब्बत से बुलाया है उन बेजवानों को बचाने के लिए। सर आप फोन क्यों दें? जी सर, यहाँ से अपना नाम पता बताएं आप। जी सर, रामजीत वर्मा, ग्राम एरकी, जिला अम्बेडकर नगर। कब ये सांप आप देखे हैं? सर घर खाली करवा रहे थे ना। अच्छा सर, उसी में। चलिए फटाफट के अंदाज में निकाल के दिखाते हैं और बस आप नजरें जमाए रखिए क्योंकि ऐसे में तो खतरा हो भी सकता है और नहीं भी। आइए प्लीज कम। दोस्तों एक बड़ी बात यह है कि आप यहाँ पर देख सकते हैं जहाँ पर इंसान रहता है अपने रहन सहन में अपने परिवार से जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ों को रखता है, जैसे बगल में गाय है, ये बगल में दोस्तों मुर्गा है, मुर्गी है। इधर इधर बता दो, इधर भी है, इधर जानवर एक जगह मर गई, नहीं जिंदा है, जिंदा है वो। ठंड से बहुत ज़्यादा लग गई थी, हमारे पीछे तो नहीं है, आप ये देख सकते हैं ये बेचारा ठंड की वजह से भाग नहीं पा रहा है। इसकी पूरी लंबाई दोस्तों बहुत ज़्यादा होती है। चलिए एक बार इसे दोस्तों मैं उठाकर की भी आपको दिखाना चाहता हूँ, ये बेचारा भाग नहीं पा रहा है। ये दोस्तों हमारे गांव का एक ऐसा जीव है, अक्सर इसे आप देखे भी होंगे बहुत सारे वीडियो में। इसकी पूरी लंबाई 1 मीटर के आसपास होती है और इसका दोस्तों जो भोजन है वो काकरो, तिलचट्टा, छोटे छोटे जीवों को खा करके अपने जीवन का गुजर बसर करता है। चलिए इसको मैं यहीं छोड़ देता हूँ, इसको कभी आप लोग मारिएगा नहीं, नहीं मारिए, और ये जहरीला बिल्कुल नहीं होता, ठीक है। चलिए अब चलते हैं दोस्तों, आपको दिखाते हैं जिसके लिए मैं आया हूँ, विशाल का बेजुबान घर में बैठे हैं। आइए दोस्तों आपको करीब से घर में। चलिए दोस्तों अब मैं आ चुका हूँ घर के अंदर। ये दोस्तों आप देख लीजिए चारों तरफ दोस्तों घने जंगल हैं और ये बीच में घर है और ये लकड़ियाँ हैं, इसके अंदर गर्म है, यहाँ पर काफी भारी भरकम की लकड़ियाँ रखी हुई है। तो दोस्तों ठंडक में इनको भी ठंडक लगती है तो ठंडक से बचने के लिए ये बेचारे घर के अंदर आए हुए हैं। दोस्तों आप ये देख सकते हैं इंडियन रॉक पाइथन इंग्लिश में बोलते हैं और बहुत सारे नामों से ये गांव में जाना जाता है, कहीं पर चितायण, कहीं पर चीतर, कहीं पर अजगर, यहाँ पर क्या बोला जाता है? दोस्तों चितायण इसलिए बोला जाता है कि इसके शरीर पर जो ऐसे वैसे बना रहता है, इसलिए लोग इसको सोचते हैं ये चितायण है। चलिए तो अब शुरू करते हैं, लकड़ी एक तरफ से हटाइए। वैसे भी ये बेचारा बहुत बढ़िया था, सही जगह पर था। इन सब चीजों को जो आप साफ कर रहे हैं ना, इसको गर्मी में थोड़ा साफ करना चाहिए, जब ठंडक खत्म हो गई होती तब। हाँ बगल चलिए से यहाँ से मिट्टी ऐसे भटे आराम से भैया, उसको उस तरफ उधर हटाओ जाए ना यार। दोस्तों आप ये देख सकते हैं वहाँ से ये पूरी तरीके से होल बिल था और जो ये बिल होल थी इसको शाही ने बिल बनाया था, वहाँ से दोस्तों यहाँ तक जगह थी, हमने पूरी तरीके से मिट्टी को हटवा दिया है। और ये आप देख लीजिए ये दोस्तों सांप यहाँ पर बड़े आराम से बैठे हुए हैं। दोस्तों एक बड़ी बात ये है कि इस वीडियो को देख के आप कॉपी नहीं कीजिएगा, नहीं तो आपके साथ
भैया थोड़ा शांति बनाइए, कभी भी आपके साथ हादसा हो सकता है। दोस्तों इनको नहीं मालूम है मुझे कौन है बचाने वाला और कौन है मुझे मारने वाला। ये दोस्तों एक प्रकार से समझ लीजिए काफी खतरनाक जीव होते हैं। काफी खतरनाक इसलिए होते हैं, ये अपने भोजन को कूंच के नहीं बल्कि सीधे खड़े खा जाते हैं। दोस्तों आप ये देख लीजिए, इस तरफ से अब है, अब इधर से मैं जरा से छेड़ूंगा तो ये उस तरफ हो सकता है, निकल सकता है। लुकात बहु ये तो बहुत बड़ा लोग पकड़ खींचे। दोस्तों अब ये दूसरा बच्चा काफी खाया पिया घर से बिलोंग करता है, बड़ा वाला ये है। चलिए दोस्तों ये हो सकता है मादा हो, नहीं मादा ही है। दोस्तों एक चीज आप और देख सकते हैं, ये इधर से गुस्सा है और इधर से निकला है, इसकी आंखें यहाँ पर दिख रही है। दोस्तों ये यहाँ से मैं इनको निकालना नहीं चाहता था, लेकिन ये लोग पूरे घर की साफ सफाई कर रहे हैं और आप ये घर के अंदर है। अच्छा आप लोग ये बताइए, जैसे अगर हम नहीं आते इसको निकालने के लिए तो फिर आप लोग क्या करते हैं? मार देते हैं। दोस्तों ये आप समझ सकते हैं कि अगर इसे मार दिया जाए तो अच्छा नहीं है। चलिए ये दोस्तों बड़ा वाला निकल चुका है, इसको आप देख के समझ सकते हैं। अरे सर हवा हट जाइए, और ये ठंड का महीना है। चलिए अब हम दोस्तों इसको निकालते हैं। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, एक तो निकल के टहल रहा है और एक यहाँ पर बैठा हुआ है। ये है दोस्तों, आप इसे देखो, ये दोस्तों काफी हमको लग रहा है यही सबसे भारी वाला है। हाँ आने दी भैया, कितने सांप और चलिए सर आप लोग रेडी हो जाए, थोड़ा पीछे हो जाए इधर। दोस्तों अब ये बारी आ चुकी है इसको पैक करने। ये बड़ा सा झोला हो गया, इसके अंदर एक आएगा बड़ा वाला, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों इस वीडियो को देख के आप काफी नहीं कीजिएगा, क्योंकि ये काम एक एक्सपर्ट के लिए आप करेंगे तो कभी भी आपके साथ हादसा हो। सर लाइए झोला खोल दीजिए थोड़ा, इसे में डालिए। अरे पचास किलो ज्यादा चाचा। चलिए दोस्तों ये तो हो गया एक इंडियन रॉक पाइथन, और ये दोस्तों सबसे बड़ा वाला है, लेकिन सबसे पहले मैं इसको पैक कर देता हूँ। चलते ही ना, आप बताएगा क्या तुम्हारे पास कर। दोस्तों इसकी बड़े बड़े दांत होते हैं, समझ सकते हैं। बड़े से बड़े जानवरों को अपना निवाला बनाता है, और ये दोस्तों बिल्कुल भी नान बेनबस है, जहरीले नहीं होते। थोड़ा मोबाइल पीछे रखें, ये दोस्तों जहरीले नहीं होते हैं लेकिन आक्रामक होते हैं। चलिए अरे बैग लाइए, दूसरा डालिए। देखा भाई सबसे जबर भाई, पीछे पीछे के खड़ा था ना भाई, चाहिए हटाइए फरुआ ला भैया, तो वही फरुआ थोड़ा थोड़ा ना। ये हमारे भारत का सबसे खतरनाक और सबसे भारी भरकम वाला है इंडियन रॉक पाइथन, जिसको हमारे गांव में चित्ताण के नाम से जानते हैं, और अब ये निकल पड़ा है। तू भैया थोड़ा सा बोल दे, अब ये दोस्तों धीरे धीरे बाहर निकल रहा है। चलिए मैं इसको थोड़ा इशारा भी कर देता हूँ, निकलने दीजिए भैया।
वैसे ये बहुत सही स्थान पे था, लेकिन दोस्तों हम यहाँ से निकालना तो मान लीजिए हमारी मजबूरी थी। ये लोग यहाँ पर साफ सफाई कर रहे हैं, जहाँ भी दोस्तों इसको छोड़ेंगे वो अच्छी जगह होगी, वहीं इसको छोड़ेंगे। भैया दूसरा बैग आप रेडी रखें। दोस्तों इस समय ये ठंडक का महीना है, इसलिए ये आक्रामक नहीं है, नहीं तो ये बहुत तेजी से बाइट करता है। दोस्तों एक बड़ी बात ये है, भैया थोड़ा आप लोग सुनिए प्लीज। दोस्तों जब ये यस का मॉडल बनाता है, मतलब पीछे की तरफ मुड़ता है, तो आप समझ लीजिए बहुत तेजी से अटैक करेगा, और अटैक करने के बाद में जो अपने भोजन को पकड़ता है ये, उसको पूरी तरीके से मरोड़ करके मार डालता है, फिर ये अपना निवाला बनाता है। भैया पकड़ लीजिए आराम से, पकड़ लीजिए, पकड़ पकड़ ले, चलिए सबसे बड़ा ये ये दोस्तों तीन हो गया, और अभी भी हमारा प्रयास जारी है इन बेजवानों को बचाने के लिए। यहाँ से दोस्तों लेके चलेंगे काफी घने जंगल में, इसे हम छोड़ेंगे, आराम से खोदिएगा मार्ग नहीं। दोस्तों आप ये देख सकते हैं, धीरे धीरे वहाँ से चलते हुए मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। तो दोस्तों ये हमारा चौथा इंडियन रॉक पाइथन है, इसके अंदर दोस्तों काफी जगह है। इस वीडियो को देख के आप कॉपी नहीं कीजिएगा, नहीं तो दोस्तों आपके साथ खतरा हादसा हो सकता है। ये दोस्तों काटता कम है और खाता ज्यादा है, ये इसकी मुंडी है दोस्तों। दोस्तों आप ये देख लीजिए, ये इसकी मुंडी है, बड़े आराम से ये सेट होता है। ये इसमें दो है क्या? एक ही तो लग रहा है, भैया बाहर निकलो थोड़ा। दोस्तों इसको भी देख लीजिए ये कितना बड़ा है, थोड़ा और बाहर एक ही था भैया। चलिए ये काफी लंबा है ना दोस्तों, इसकी पूरी लंबाई लगभग 8 से 10 फीट होगी, और हमारे भारत में इनकी क्विंटल लंबाई दोस्तों 15 से 16 फीट के आसपास इंडियन रॉक पाइथन। ये कई क्विंटल में भी होते हैं काफी खाने पीने के बाद में। चलिए ये चलिए अब हम इसे पैक कर लेते हैं, इतना टाइम नहीं है। पूरा है बाहर एक साथ सब यहाँ का, थोड़ा थोड़ा आपको जगह और दे दीजिए। तो दोस्तों काफी कड़ी मेहनत के बाद हमारी टीम जौनपुर सिटी से आई, लगभग 110 किलोमीटर की दूरी पर, और इन चार बेजवानों को बचा लिया गया। तो ले चलते हैं काफी दूर जंगल में, जहाँ पर घर परिवार ना हो वहीं पर इसको हम रिलीज कर देंगे। तो दोस्तों इसको बचाकर मुझे तो बहुत सुकून और शांति मिली। तो आज के लिए बस इतना है दोस्तों, थैंक यू, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, बेजवानों को बचाते हुए, लोगों की हेल्प करते हुए, और तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद और बाय। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, एक कमेंट में दोस्तों अपनी राय आप मुझे दीजिएगा। इस वीडियो को बनाने में, इन बेजवानों को बचाने में कहीं अगर मुझसे त्रुटियां हुई हो तो प्लीज मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। उससे भी मैं एक चीज ये पूछना चाहता हूँ, ये हमारा काम आप लोगों को कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। आप लोग वीडियो इसके पहले देखते थे, कहीं कोई त्रुटि हुई? नहीं। थैंक यू। आपका बच्चा है, आपका आशीर्वाद दीजिएगा। एक थोड़ा भी है दादी, माइया बैठे।
देखो ना बहुत सही लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। तो चलिए दोस्तों आप ये देख सकते हैं इन मेज़बानों को रिलीज़ करने के लिए एक बड़े से जंगल में आ चुके हैं। यहाँ पर दोस्तों काफ़ी गर्म है और ऊपर से बड़े बड़े पेड़ पौधे घने जंगल हैं, तो दोस्तों इनमें इनका रहना बहुत ज़रूरी है। वहाँ पर दोस्तों परिवार रहता था इसलिए इसको यहीं पर रिलीज़ करते हैं। आपको दोस्तों पूरा वीडियो देख करके तो शायद काफ़ी अच्छा लगा होगा, लेकिन इनको मैं यहाँ पर रिलीज़ कर देता हूँ। दोस्तों ये काफ़ी खाए पिए मोटे ताजे एक साथ हैं। अब ये दोस्तों इसको आप देख के समझ सकते हैं, चलिए इसको दोस्तों हम इन दोनों को इस तरफ ये सबसे लगता है। और ये भी है दोस्तों, अब ये बेचारे रह सकते हैं। चलिए इसको भी थोड़ा और आगे ले जाते हैं। इससे ये काफी विशाल काय है। तो दोस्तों इस प्रकार से इन मेज़बानों को इसी पवन से घने से जंगल में अक्सर में ला करके रिलीज करता हूँ। और यहाँ पर इनका रहन सहन काफ़ी लंबा परिवार है और ये दोस्तों काफ़ी बड़ा जंगल है, तो इसलिए इनका यहाँ पर रहना ज़रूरी है। इनको इनके परिवार में, इनके एटमॉस्फेयर में, इनके मौसम, इनको हम रिलीज़ कर दिए। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आप वीडियो में कमेंट करके मुझे बताइएगा। जय हिंद और बाय।